यहाँ पर जो है अनुपयोगी सामग्री से कुछ बच्चे बनाते रहते हैं, प्रोजेक्ट है, क्रिएटिविटी बच्चों में क्या है ये जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। 8th क्लास है बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ क्या आपको लगती है, कौन बच्ची बताएगी? शाबाश, खड़े होकर बताएं। यस प्लीज, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जेसी जोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम मंडफिया सांवरिया जी में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में विजिट कर रहे हैं और सर्वप्रथम हम पूरी जानकारी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे चलता है, क्या क्या इसमें क्रियाएं रहती हैं, कौन से बच्चे होते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, और इनसे संबंधित बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जुड़ी हुई है यहाँ की प्रभारी मैडम। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि प्रभारी मैडम है यहाँ पर जो यहाँ पर पूरा कार्यभार देख रही हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति स्वर्णदास है और मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैम, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए चाहता हूँ कि ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो है अभी नए हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर चल रहे हैं, तो कृपया इसके बारे में कुछ जानकारी दर्शकों को प्रदान करें। ये जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खुले हैं, राजस्थान सरकार द्वारा खोले गए हैं, ये योजना ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 ही सत्र पुरानी है और अपना स्कूल जो है पिछले सत्र से महात्मा गांधी बना। ठीक है। यहाँ वर्तमान में 1-5 क्लास पिछले साल चली थी और अभी 6 क्लास चलती है। अच्छा, 1-5 तक की क्लासेज अपने चल रही हैं और उसके बाद में जो है 6 से अपना इस सेशन में 6 क्लास आई है। ओके, तो मैम आप बताएं कि इसमें जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है आपका, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का अभी चल रहा है? सर, अभी 1-5 इंग्लिश मीडियम है और 6 क्लास इस साल से शुरू हुई है, यानी 1-6 इंग्लिश मीडियम है। अभी 1-6 इसमें ही है। तो कृपया आप एक चीज और बताएं कि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं
स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान सरकार के, उनसे ये किस तरह से अलग आ पाती है? हाँ, ये है राजकीय स्कूल जैसे ही है और उसकी सारी गतिविधियाँ भी उसी टाइप से होती है सर, पर इसमें ऐसा है कि पढ़ाई जो है उसका माध्यम इंग्लिश रहेगा, शिक्षा का माध्यम इंग्लिश हो जाएगा। प्लस राज्य सरकार की ये भावना है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बड़े बड़े मतलब प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस नहीं भर पाते, उनके लिए ये है कि राजकीय विद्यालय में इनको फ्री में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई मिलेगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के सरकार का ये मकसद है कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा टैलेंटेड हैं लेकिन उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको ऐसा करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए ये स्कूल खोले गए, तो ये अपने पास आ गया। तो मैम, एक चीज़ और मैं जानकारी चाहूँगा दर्शकों के लिए कि क्या इसमें कोई फी स्ट्रक्चर है, फीस लगती है? ये बिल्कुल निःशुल्क है सर, आठवीं क्लास तक बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें क्या किताबें और बाकी जो भी सामग्री है क्या फ्री में दी जाती है सरकार की तरफ से? जी सर, इसमें किताबें भी बिल्कुल निशुल्क है और एडमिशन प्रक्रिया सारी निशुल्क है। जी, तो मैम एक चीज़ और बताएं कि अपने यहाँ पर पोषाहार जो चलता है सरकार की तरफ से, तो उसका क्या प्रावधान है बच्चों के लिए, कब दिया जाता है, क्या किस तरह का आप लोगों का सिस्टम है? इसमें पोषाहार का सिस्टम ये है कि लंच में बच्चों को निःशुल्क पोषाहार मिलता है, कक्षा एक से आठवीं तक के जो बच्चे हैं फर्स्ट, उनके लिए मेनू फिक्स है पर डे, उसके अनुसार उनको खाना डेली दिया। एक से आठ तक के बच्चों को अपन लोग यहाँ पर पोषाहार देते हैं और उसके लिए प्रिपेयर करवाते हैं, सुबह से लग जाते होंगे, और इनको लंच का प्रावधान है कि क्या क्या सामग्री, क्या किस तरह का मेनू दिया जाता है? मेनू अलग अलग रहता है पर डे का, खिचड़ी रहती है किसी दिन, किसी दिन सब्जी रोटी रहती है, इस तरह। अच्छा, तो ये इसका समय क्या निश्चित कर रखा है आपने? समय 10:15 बजे से लंच होता है, उसी टाइम से टाइम देता है, उस दौरान इनको खाना दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैम एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप शिक्षा जगत के साथ जुड़ी हुई हैं, तो शिक्षा जगत वाले बच्चे हैं, चाहे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, इस तरह के लोग हैं, या एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाओं से या शिक्षक वर्ग से वो लोग कुछ ना कुछ सीखें। तो मैं जानकारी चाहता हूँ आपका, आम जनता के लिए या ऐसे शिक्षक वर्ग के लिए क्या संदेश है, कृपया बताएं। शिक्षक वर्ग के लिए मेरा तो यही संदेश है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, योजनाएं सब चलेंगी लेकिन हमारा जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो देनी है बच्चों को, वो हमारा उद्देश्य पूरा होता रहे। जी, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की और वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू विजिट दिस विद्यालय। देखें कि बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आपकी मैंने देखी है और आपसे पूरा सहयोग मिला, उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, हम लोग अभी एक क्लासरूम आपको विजिट करवा रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, और हमारे साथ देखें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं और इनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे, और जो यहाँ की टीचर हैं इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। मैडम, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड मॉर्निंग, आई एम टीचर शक्तावत, असिस्टेंट टीचर लेवल 1 इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मंडिया। ओके, एंड बेसिकली मैं यहाँ पर अभी हिंदी सब्जेक्ट टीचर, मैं हिंदी की हूँ अभी। ओके, फॉर फर्स्ट सेकेंड क्लास एंड फॉर थर्ड क्लास एंड फॉर EBS। ओके, ये कौन सी क्लास है मैडम? ये सर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर? टोटल 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। ओके, तो इन छोटे बच्चों को मैडम बताइए कि आप कैसे पढ़ाती हैं और क्या समस्या आपको आती है इसमें? बेसिक से मुझे देना पड़ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद अपग्रेड तो हो चुके हैं अगली क्लासेस में, बट उनका जो बेसिक अल्फाबेट्स है, जो वर्णमाला है, उस पर हमको नेक्स्ट क्लासेस में भी फोकस करना है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा लेवल वाइज डिवाइड करके पढ़ाना पड़ रहा है, ना कि पर्टिकुलर। ओके ओके ओके, क्लास वाइज कोर्स चलता है, जो बच्चा कैच कर रहा है, जो नहीं कर पा रहा है उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा दिया इन बच्चों से, कुछ पूछताछ करें हम लोग? अभी हमारी क्लासेस तक हम
मात्रा पर आई हूँ मैं, जिसे हिंदी ओके वर्णमाला करवाई है मैंने एक, ठीक ठीक है, की मात्रा स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। बेटा आपने अभी क्या पढ़ा है बताइए, खड़े हो जाओ, शाबाश, यस प्लीज बताइए क्या पढ़ा है बेटा आपने। अभी मैंने हिंदी पढ़ी, माय नेम इज आयशा बानो। आयशा बानो पढ़ा हमने जमुना वाला, एक जमुना थी वो शहर में रहती थी अपने माँ बाप के साथ, उसके दादा दादी गांव में रहते थे, जो उसकी दीपावली की छुट्टियाँ पड़ गई थी, जो उसके दादा दादी के साथ गाँव जा, उसके मम्मी पापा के साथ गाँव जा रही थी, और उन्होंने तो ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी कौन सी क्लास है बेटा, कौन क्लास के बच्चे हो, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? सर आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें। सर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, 11th क्लास है। अच्छा ज्योग्राफी, ये कौन सी क्लास है? 11th क्लास। 11th क्लास में आप ज्योग्राफी डील करते हैं जी। तो मैं जानकारी चाह रहा था कि ये जो आपका स्मार्ट बोर्ड लगा रखा है जी, तो क्या इसमें प्रॉपर सभी लेसन्स आपको मिल जाते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, है ना? और इसके अलावा बच्चे क्या क्या काम करते हैं होमवर्क में, जैसे अपन देते हैं ये टोटल लेसन तो आपने यहाँ से इंटरेक्टिव बोर्ड से करवा दिए है ना, और बाकी जो है बच्चे होमवर्क करके लाते हैं जी सर। ओके तो एक कॉपी आप दिखा पाएंगे? एनी वन स्टूडेंट प्लीज़ शो मी, ये आपका होमवर्क है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चों एनी वन स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप, एक क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से रहेगा, एनी वन खड़े होकर के बताइए, शाबाश। क्या नाम है आपका? माय नेम इज चंचल बाई। चंचल बाई, ओके। तो क्या यहाँ इस स्कूल के अंदर पढ़ना अच्छा लगता है आपको? हाँ। इस स्कूल से पहले आप कहाँ थे? इंग्लिश मीडियम स्कूल। इससे पहले इंग्लिश मीडियम में थे, कौन से स्कूल में? प्राइवेट में। हाँ। कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर पाया आपने? यह अच्छा लगता है, टीचर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपको, है ना? और जो होमवर्क रेगुलर आप कर रहे हैं। चलिए एक मेरा प्रश्न और है, आप क्या बनना चाहेंगी अपनी लाइफ? टीचर, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप करिए। ये बच्ची टीचर बनना चाहेंगी, बहुत अच्छा। सर ये कौन सी क्लास है? ये 10th क्लास में। आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें। मेरा नाम बाबूलाल मावलिया है और मेरा जिला सीकर है। तो क्या पढ़ाते हैं बच्चों को आप? मैं हिंदी। हिंदी, हिंदी पढ़ाते हैं, वेरी गुड। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? सभी सभी गर्ल्स हैं, है ना? हाँ। ओके यस, आप बताइए, आप खड़े हो जाओ।
क्या नाम है बेटा आपका? रवीना देकर है? रवीना देकर। अच्छा, तो क्या स्कूल के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा है। कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ बताओ जो अच्छी लगती हो। पढ़ाई है, रहना सहना है, यहाँ पर क्लासरूम का है, आपका इंटरेक्टिव बोर्ड है, क्या चीज़ अच्छी लगती है? पढ़ाई अच्छी लगती है। सभी शिक्षक बढ़िया से पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। प्रिय दोस्तों, हम लोग आगे विजिट करेंगे यहाँ की पुस्तकालय। किस तरह की पुस्तकालय है, कैसी किताबें हैं, ये बच्चियाँ देखें इसमें पढ़ रही हैं, और हम बातचीत करेंगे यहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्लीज़ सर, आप अपना परिचय प्रदान करें और किस तरह से कार्य करवाते हैं यहाँ पर आप? जी, मैं प्रवीण सैनी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की पत्तियों पर हूँ। ओके। यहाँ पर बच्चे स्टोरी राइटिंग की बुक्स पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जैसे मोटिवेशनल किताबें होती हैं, ठीक है, हाँ, वो किताबें अवेलेबल हैं पुस्तकालय के अंदर, ठीक है, बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो ये खूब सारी पुस्तकें आपके पास रखी हैं, क्या ये टेक्स्ट बुक्स हैं? ये सर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, हाँ जी। ठीक है, तो ये बच्चों को यहीं से आप प्रदान करते हैं? हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत अच्छा। बच्चों, आप कौन सी क्लास के हैं? सेवन्थ क्लास के हैं आप? आपका क्या नाम है? प्रेमलता वैष्णव। हेमलता? प्रेमलता। प्रेमलता, अच्छा। तो यहाँ लाइब्रेरी में आप किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं अभी? लाल और नीली पेंसिल। लाल और नीली पेंसिल, अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। दोस्तों, हम लोग विजिट करते हैं यहाँ की कंप्यूटर लैब और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आप अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम मुकुल शर्मा है और मैं यहाँ पर बीसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब अभी चल रही है और इसमें बच्चे अभी जो 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं और 9-10 के बच्चे अपने एडवांस वर्जन को सीख रहे हैं। और इसके बाद अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको हम बेसिक का भी इंट्रोडक्शन देते हैं इसमें कंप्यूटर के बारे में, ठीक और है, ये बताते हैं कि क्या बेसिक पेंट क्या होता है ये सब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या सभी बच्चे इतने सक्षम हैं कि कुछ कुछ जो इनको बताया जाता है वो समझ लेते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इतने अभी क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का युग है हमारा, और राजस्थान सरकार की पहल से इतना हो पाया है कि जो बच्चे कंप्यूटर शिक्षा के बारे में जागरूक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा, आपकी कौन सी क्लास है? 10th क्लास है। तो आप कंप्यूटर में क्या क्या जानकारी रखते हो? कुछ बातें, एक या दो बातें बताओ। पेंटिंग, पेंटिंग आती है आपको? पेंटिंग आती है, कर लेते हैं, वेरी गुड। आपकी कौन सी क्लास है बच्चों? 9th क्लास है। चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? पेंटिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। मैम, आप अपना परिचय प्रदान करें। ये कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं आप? 8th क्लास है। बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ क्या आपको लगती है? कौन बच्ची बताएगी?
शाबाश, खड़े होकर बताएं। यस प्लीज, क्या नाम है आपका? टीचर अच्छे लगते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कोमल वैष्णव। कोमल वैष्णव, यहाँ के टीचर अच्छे लगते हैं आपको? पढ़ाते भी अच्छा है। पढ़ाते अच्छा है। अभी आपने क्या पढ़ा है करंट में बताइए? या हमने ना संसाधन एवं विकास सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। सामाजिक विज्ञान में भी क्या पढ़ा, चलिए बताइए। हमने जल पढ़ा, जल संरक्षण पढ़ा। चलिए जल के बारे में बताइए कि जल का संरक्षण करते हैं अपन क्या उपाय लेते हैं, पढ़ा ऐसा कुछ कि जल को बचाना चाहिए? जल को बचाना चाहिए, जब हम कपड़े धोते हैं उस पानी को हमें डोलना नहीं चाहिए, उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोछा लगाने में, घर की साफ सफाई करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर जो है अनुपयोगी सामग्री से कुछ बच्चे बनाते रहते हैं, प्रोजेक्ट है, क्रिएटिविटी बच्चों में क्या है, ये जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। देखें कुछ यहाँ पर कलश बने हुए हैं, तो मैडम ये क्या बच्चों ने बनाए हैं ये सब? ये बच्चों ने बनाए हैं ये सब। अच्छा, ये कौन सी क्लास के बच्चों ने बना रखा है ये कलश? सेवन्थ क्लास के बच्चों ने बनाया। तो बेटा आपने ये क्या बना रखा है बताएंगे थोड़ा? यस, एक चार्ट के ऊपर कलरफुल आपने बना रखे हैं और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक ये कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। यस, ओके, सॉरी, वेरी गुड, एक्सक्यूज मी, ओके, मैं प्लीज, प्लीज, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, ओके, बहुत अच्छा। आपने क्या बना रखा बेटा, आपका नाम बताओ? ओके, क्या बना रखा आपने? ये कलर कलर चार्ट बनाया हुआ है अलग अलग कलर के, है ना, यही बनाया ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से पठन पाठन क्रिया कैसे करवाई जाती है, तो हम लोग जानकारी भी प्राप्त करेंगे। मैडम आप प्लीज़ अपना परिचय प्रदान करें। ओके, और ये क्या दिखाने जा रही हैं आप बताइए? सर पिक्चर कार्ड से अल्फाबेट्स के लिए, अल्फाबेट्स के लिए ये अपन यूज करते हैं, पिक्चर्स दिखा के बच्चों को मतलब बताते हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें स्पेलिंग भी दे रखी है, पिक्चर देखते हैं बच्चे, उनको ओरली बुलवाते हैं, उसके बाद में बच्चे सीखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं इधर पजल्स है ये सर। अच्छा, ये पजल्स है जी, ये बच्चे कर लेते हैं जी सर। ओके, मैच करके कर लेते हैं बच्चे। हाँ, मैच करके करना। इधर हम देख रहे हैं कुछ नोट्स हैं, है ना, बच्चों को जानकारी देने के लिए नोट्स वगैरह का आप कर रहे हैं प्रयोग। करंसी शॉपकीपर कस्टमर्स अरेंज कर देते हैं। अच्छा अच्छा, एंड देन शॉपकीपर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कस्टमर्स, सम आर वन और टू आर द शॉपकीपर्स। ओके, फ्रॉम दीस करेंसीज दे हैव टू बाय दीस प्रोडक्ट्स। ओके 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 ओके, सो दे कैन गेन सम प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्वाइंस है। ओके, इधर भी कुछ हम लोग देख रहे हैं, बताइए इसके बारे में क्या है? सर ये गेमिंग के लिए, गेम के लिए। अच्छा, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्रिय दर्शकों, अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो पोषण आहार की प्रणाली है, कैसे ये लोग बच्चों को भोजन प्रदान करते हैं सरकार की तरफ से जो निःशुल्क दिया जाता है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैम, इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, ये प्रभारी हैं पोषण आहार की। प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें। किरण मंडी, अध्यापिका सोशल साइंस लेवल टू और पोषण प्रधान। अच्छा, आप ही ये सब देखती हैं? जी, मेरे साथ में सुनीता मैडम। सुनीता मैडम है, अच्छा, आप दोनों इसको देखते हैं, ठीक है। मैम आप कृपया बताएं कि क्या क्या सिस्टम आपका रहता है?
सरकार की तरफ से बच्चों को मध्यान्तर भोजन की व्यवस्था करी गई है जी। उसमें सप्ताह में 6 दिन में से 4 दिन तो गेहूं का बनाना है हमको, 2 दिन चावल बनाना है, ठीक है, और 3 दिन दाल और 3 दिन हरी सब्जी का उपयोग करना है। अच्छा, तो इस तरह से सोमवार को रोटी सब्जी, तो आज अपना जो है सैटरडे है, शनिवार को रोटी सब्जी का, रोटी सब्जी का, ठीक है जी। तो आप कृपया बता दें थोड़ा सा क्या तैयारी हुई है। आलू उबालिए, आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। अच्छा, ये आलू उबाल रखे हैं जी हाँ। और ये आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, बहुत अच्छा। और ये चपाती बनाई जा रही है, बहुत अच्छा। इधर स्टोर है आपका, कुछ बर्तन और ये सब रखे हैं ना। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों को कब प्रदान करेंगे आप? मध्यान्तर में। अच्छा ठीक है, बहुत साफ सुथरा और अच्छा भोजन आप जो है बच्चों को दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये दर्शकों, अभी एक जानकारी आपको और प्रदान करेंगे कि देखें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शारीरिक शिक्षिका, इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं अपन के विद्यालय में बच्चों को कैसे कैसे स्पोर्ट्स किया जाता है और क्या कर रहे हैं बच्चे। तो प्लीज़ आप अपना परिचय प्रदान करें। हाँ, मैं प्रमिला कृष्णिया शारीरिक शिक्षक जी, प्रार्थना सभा से ही, प्रार्थना सभा होती है, अभी योगा अभ्यास सूर्य नमस्कार होते हैं जी, और जो खाली पीरियड होता है जिस भी क्लास का उसको बाहर, वैसे हमारा गेम तो कबड्डी चलता है, ठीक है, और जो खाली पीरियड होता है तो हमारे अभी सावरा सेठ ने टीटी टेबल दे रखी है तो वो चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत। शनिवार में हमारे छोटे छोटे गेम छोटे बच्चों के लिए चलते हैं। अच्छा, कबड्डी में हमारे 1 या 2 बच्चे का हर साल राज्य स्तर तक सिलेक्शन होता है। तो अपना जो कंपटीशन करवाते हैं बच्चों का, तो वो कंपटीशन कैसे चलता है बच्चों का, कब होता है वो? ग्रुप बना के बाहर भी जाते हैं बच्चे, बाहर भी जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं सर जी, यहाँ हमारे स्कूल के क्लासों के ग्रुप बना के करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उनमें से सेलेक्ट करके टीम लेके जाते हैं जी 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 जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे जरूरी है, फील्ड हम बाहर लेके जाते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थैंक यू। Shadow, what's on?